बोलिए कात्यायनी मैया की जय। नवरात्रि के 9 दिन माँ की विशेष पूजा होती है, ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन स्थित माँ कात्यायनी मंदिर में, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम लीला हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मांगने के लिए गोपियों ने यहाँ पर कात्यायनी माँ की पूजा की थी। आइए देखते हैं इस मंदिर का क्या है रहस्य। हम आप पहुँचे हैं कात्यायनी मंदिर में। देखिए ये कात्यायनी माँ का मंदिर है और आपको ले चलते हैं अंदर और दर्शन भी कराएंगे, बताएंगे यहाँ के बारे में कि आखिर गोपियों ने यहाँ पर कृष्ण को पति के रूप में मांगने के लिए कैसे पूजा की थी। ये देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर का बाहर का दृश्य देखेंगे कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ है ये मंदिर। आइए अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देखिए मंदिर एक कात्यायनी माँ का मंदिर है, पहले से आप दुर्गा के दर्शन कीजिए। ये कात्यायनी माँ का मंदिर काफ़ी वर्ष पुराना है और इसकी बेहद मान्यता है। द्वापर युग में यहीं पर ही गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति की मांग करते हुए कात्यायनी माँ की पूजा की थी। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनको माला देते हैं। सभी मेरे जो दर्शक हैं मेरा वृंदावन के, उनके तरफ से मैं माला चढ़ाता हूँ। प्रसाद तो हमें मिल चुका ही है, अब अपने दर्शकों को मानसिक रूप से माँ कात्यायनी की परिक्रमा कराते हैं। आइए मेरे साथ एक बार परिक्रमा कीजिए। देखिए ये कात्यायनी माँ की परिक्रमा है और हर कोई यहाँ पर जो भी परिक्रमा देता है भगवान यहाँ पर माँ कात्यायनी के दर्शन करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यहाँ पर मेरे साथ आइए और माथा लगाते हैं। यहाँ पर माथा लगाइए, बोलिए कात्यायनी माई की जय। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मांग की थी। देखिए यहाँ पर ये तस्वीर अभी भी यहाँ पर मौजूद है, ये सभी गोपियाँ यहाँ पर माँ कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। ये कात्यायनी माँ है, यमुना किनारे के पास ही ये मंदिर स्थित है माँ कात्यायनी का, वहीं पर ही देखिए पूरा दृश्य बनाया गया है। तमाम यहाँ पर गोपियाँ हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इसका अर्थ है हे माँ कात्यायनी, अगर आप हमारी पूजा सेवा अर्चना से प्रसन्न हैं तो हमको ऐसा वरदान दीजिए कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हों। वृंदावन में यमुना तट पर ब्रज गोपियों ने अघन के महीने में एक महीने माँ कात्यायनी की पूजा सेवा की और ये वरदान मांगा कि माँ अगर आप हमारी पूजा सेवा से प्रसन्न हैं तो हमको कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करा दो, और माँ ने उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। केशवानंद जी महाराज इनके बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, हरिद्वार में विराजते थे। उनकी इष्ट देव थी माँ कात्यायनी। उनको स्वप्न में आदेश हुआ
कि तुम वृंदावन में मेरे मंदिर की स्थापना करो। तो उन्होंने श्रीधाम वृंदावन के राधाबाग नाम के स्थान पर कात्यायनी मंदिर का निर्माण कराया और कात्यायनी माँ कात्यायनी के शिव विग्रह की स्थापना की। इन भगवती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिन कुमारी कन्याओं के विवाह में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध होता हो, अगर वो माँ कात्यायनी की नियम से सेवा करें और उनकी उपासना करें तो उनको निश्चित रूप से सुयोग्य वर प्राप्त होता है। जब वृंदावन में गोपियों की उपासना से उनको पति रूप में कृष्ण मिले तो क्या ये संभव नहीं है कि किसी कन्या की उपासना से उसको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो? यही इस मंदिर की विशेषता है। ये वृंदावन का ब्रजवासियों का सौभाग्य है कि यहाँ माँ कात्यायनी अपने साकार रूप में अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है और यहाँ भक्तों को अपनी कृपा किरणों से आप्यायित कर रही है। वृंदावन का प्रत्येक ब्रजवासी, वृंदावन में तो वैष्णव लोग हैं, सब कृष्ण की उपासना करते हैं। यहाँ जो भी व्यक्ति उपासना करता है वो किसी न किसी रूप में कृष्ण के लिए ही, कृष्ण की ही उपासना करता है। आप सोचिए, जब गोपियों को कृष्ण की उपासना से कृष्ण स्वयं पति रूप में मिल सकते हैं तो क्या भक्तों को उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में भगवती सक्षम नहीं है? निश्चित रूप से जो भी यहाँ आता है माँ को अपना प्रणाम निवेदन करता है, अपनी समस्या निवेदन करता है तो माँ उसका निस्तारण करती हैं, उस पर कृपा करती हैं। यही यहाँ की विशेषता है। हमने आपको बताया वृंदावन स्थित माँ कात्यायनी मंदिर के मान्यताओं के बारे में। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मैं किसी मंदिर के मान्यता और उसके महत्व के बारे में अन्य किसी वीडियो में जानकारी दूंगा। मुझे और मेरे सहयोगी वैभव को दीजिए इजाज़त। राधे राधे। बोलिए माँ कात्यायनी मैया की जय।